Hello everyone. Welcome to the video lecture series of integrated circuits and we were discussing about the 741 ICU PAMP internal circuitry. Uh, we were doing unit one with the code KC501. So uh, we were discussing the DC analysis of 741 IC opamp and till now we have talked about the reference bias current circuit and then we have calculated the input stage analysis part we have done the second stage analysis part and the last part is left which is the output stage analysis so in today's lecture we will discuss about the output stage DC analysis

शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन एलिमेंट्स हैं तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे आउटपुट स्टेज है, है, है ये इससे कम्प्राइजेस है तो हम इसी को आज डिस्कस करेंगे सो बेसिकली लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेकेंड स्टेज एंड वी कैन सी कि सेकेंड स्टेज जो है वो थर्ड uh, स्टेज से कैसे कनेक्टेड है सेकेंड स्टेज

यहाँ पर एक क्यू थर्टीन ए है लेकिन मैंने यहाँ पर जो कलेक्टर लगाया है वो सिंगल कलेक्टर लगाया है क्यों? क्योंकि ये क्यू क्यूकी है थर्टीन बी हमारा सेकेंड स्टेज में इंक्लूडेड होता है फॉर दैट यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो यहाँ पर जो है हमारे पास सिर्फ क्यू थर्टीन ए है क्यू थर्टीन में जो इनपुट करंट आ रहा था वो आई रेफरेंस आ रहा था एंड उसमें से 75 करंट पर जो 75 परसेंट करंट था वो 13 बी में जा रहा था और 25 परसेंट करंट 13 ए में आ रहा था तो इसीलिए हमने यहाँ पर सिर्फ 13 ए लिखा है एंड 25 परसेंट प्रेफरेंस करंट मिला है इसे एंड ये कनेक्टेड है किससे ये डायरेक्ट कनेक्टेड है क्यू फोर्टीन से जो आउटपुट ट्रांजिस्टर है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है राइट right? सो so, ये हो गया हमारा आउटपुट स्टेज अब हमें इसकी डीसी एनालिसिस करनी है डीसी एनालिसिस का मतलब क्या है कि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं उनके कलेक्टर करंट उनके बेस करंट एज वेल एज उनके एमिटर करंट को हमें कैलकुलेट करना है सो लेट स्टार्ट फ्रॉम दी इनिशियल पॉइंट सो

इस तरफ तो करंट जीरो हो गया क्योंकि हमने एज्यूम कर लिया सिमिलरली ये करंट कहीं भी घूम सकता है लेकिन यहाँ पर ये करंट नहीं जाएगा यहाँ पर भी हमने एज्यूम किया है कि बेस करंट इसका जीरो है तो दैट ये जितने का जितना करंट था यहाँ से आ रहा था जीरो पॉइंट टू फाइव ऑफ आई रेफरेंस वो सारा करंट इस तरफ से ट्रेवल करके जब यहाँ पहुंचेगा इस पॉइंट पर तो यहाँ नहीं जाएगा क्यू ट्वेंटी में नहीं जाएगा वाई बिकॉज वी हैव एज्यूम कि बेस करंट ऑफ क्यू ट्वेंटी इज जीरो तो वो सारा का सारा करंट यहाँ आ जाएगा

यहां से फ्लो करते हुए यहां अपीयर हो जाएगा इस पॉइंट पर राइट वाई बिकॉज यहां पर तो करंट जा ही नहीं रहा सारा का सारा करंट यहाँ आके यहाँ इकट्ठा हो गया ठीक है एंड यहाँ भी करंट जीरो है तो वो यहां आ गया आई ई ट्वेंटी थ्री में और आई ई ट्वेंटी थ्री किसके इक्वल हो गया जीरो पॉइंट टू फाइव आई रेफरेंस के सो so जब आई रेफरेंस की वैल्यू इसमें पुट की तो आईई ट्वेंटी थ्री की वैल्यू कितनी आई हमारे पास वन एटी माइक्रो एमपियर सो दैट मीन्स अब हम एविटर करंट कलेक्ट कैलकुलेट कर चुके हैं

ठीक है तो यहाँ से हमारे पास एमिटर करंट भी आ गया कलेक्टर करंट भी आ गया अब कलेक्टर करंट है तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट बेस करंट तो इसके लिए हमने इसका बेस करंट कैलकुलेट किया बेस करंट क्या होता है इट इज आईसी बाय बीटा तो आईसी की वैल्यू तो 180 माइक्रो एम्पियर है बीटा इज अगेन 50 बिकॉज एपी एन पी ट्रांसिस्टर है तो जब हमने कैलकुलेट करके देखा तो इट इज 3.6 पॉइंट सिक्स माइक्रो एम्पियर विच इज वेरी 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 स्मॉल करंट दैट इज वाई हम इसे अप्रॉक्सिमेटली जीरो मान लेते हैं

ये बेस और एमिटर के बीच में जो पोटेंशियल है इट इज वीबीटी सो लेट अस एज्यूम मान लेते हैं कि ये जो पोटेंशियल है कितना है ये जीरो पॉइंट सिक्स वोल्ट है ये हमने एज्यूम किया है बट अभी हम जब एनालिसिस करेंगे तो वी विल सी कि एनालिसिस के बाद जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो वो भी जीरो पॉइंट सिक्स के अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही आएगा राइट सो वी बी एटीन को हमने मान लिया है की लेटेस से दिस इज जीरो पॉइंट सिक्स वोल्ट

तो अगर मुझे इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप करना है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके अक्रॉस जो पैल लाइन है अगर मैं उसका वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर लूँ तो मैं इसके अक्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर सकती हूँ बिकॉज वी नो दैट जब पैल कनेक्शन होता है तो वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होता है तो जो वोल्टेज ड्रॉप इस पॉइंट के बीच में होगा वही वोल्टेज ड्रॉप इस रजिस्टर के अक्रॉस होगा तो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है वो है वी बी वो वोल्टेज ड्रॉप क्या है हमारे पास वो वोल्टेज ड्रॉप है VBE18 सो दैट मींस VBE18 इज इक्वल टू IY R10 राइट right? सो so वही चीज मैंने आ लिखी है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R10 इज VBE18 R10 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया VBE18 व्हिच इज 0.6 हमने अज्यूम किया है तो अगर हमें करंट निकालना हो करंट क्या एज्यूम किया है? तो है, है, है तो, so तो यहाँ से हमारे पास आई वाई की वैल्यू आ गई विच इज फिफ्टीन माइक्रो एम्पियर सो नाउ वी नो दैट की आर टेन के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है वो है फिफ्टीन माइक्रो एम्पियर इस करंट की वैल्यू हमें पता है राइट right. नो नेक्स्ट मूव ऑन टू अब हम क्या कर सकते हैं हम नोड ए जो है वहां पर के नोड ए कौन सा है ओके इन दिस डायग्राम ये हमारे पास नोड ए है इस पॉइंट पर हम केसेल अप्लाई करते हैं तो इस पॉइंट पर इनकमिंग करंट कौन सा है आईई एटीन आईई एटीन यहाँ से आ रहा है इनकमिंग करंट एक करंट ये आ रहा है यहाँ से आई वाई आई वाई की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है तो IY आ रहा है और आउट गोइंग करंट कौन सी है जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं माइक्रो सो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं सो वी कैन सी हमारे पास आईई एटीन इज इक्वल टू कितना आ रहा है इट इज इक्वल टू जब हमने यहाँ कैलकुलेट किया तो हमारे पास आई ई एटीन की वैल्यू निकल के आ जाती है यहाँ से विच इज वन सिक्सटी फाइव माइक्रो एम्पियर

जब हमें किसी का एमिटर करंट पता हो कलेक्टर करंट निकालना हो तो हम क्या करते हैं बिकॉज ट्रांजिस्टर्स सिमेट्रिकल हैं सो वी कैन दैट कि जो जो बेस है जो है है बीटा फैक्टर वो बहुत बड़ा है. और अगर बीटा फैक्टर बड़ा है तो दैट मीन्स बेस करंट विल बी वेरी स्मॉल तो बेस करंट जब स्मॉल हो गया तो दैट मीन्स कलेक्टर करंट विल बी इक्वल टू एमिटर करंट दोनों करंट इक्वल हो जाएंगे एंड वो करंट किसके इक्वल होगा वन सिक्सटी फाइव माइक्रो एम्पियर अब अगर कलेक्टर और एमिटर करंट दोनों पता है तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट दी बेस करंट हम अप्रॉक्स वैल्यूज की निकाल सकते हैं इज बाय बाय बीटा बीटा राइट तो 18 करके हमने जब निकाला यू कैन सी हे आईसी एटीन बाय बीटा सो इट इज वन सिक्सटी फाइव माइक्रो एम्पियर बाय टू हंड्रेड विच इज पॉइंट एट माइक्रो एम्पियर तो बेस करंट हमारे पास कितना आ गया पॉइंट एट माइक्रो एम्पियर ऑल्सो हमने इस कैलकुलेशन को करने से पहले एक वोल्टेज कंसिडर की थी कि जो VBE 18 है वो 0.6 है तो लेट अस सी कि क्या वो वही है क्यों क्योंकि वैल्यू फॉर कलेक्टर करंट हमने कलेक्टर करंट निकाल लिया है तो अब हम VBE 18 भी निकाल सकते हैं तो जब हमने VBE 18 निकाला यूजिंग दिस फॉमुलाज ट्वेंटी थर्मल वोल्टेज आईसी एटीन इज वन सिक्सटी फाइव माइक्रो एम्पियर

जो ट्वेंटी थर्ड ट्रांजिस्टर था और एटीन ट्रांजिस्टर था उन दोनों ही ट्रांजिस्टर्स के कलेक्टर करंट बेस करंट और एमिटर करंट कैलकुलेट कर लिए हैं अब मूव करते हैं ट्रांजिस्टर नंबर 19 पर अब 19 के लिए कैलकुलेट करते हैं फॉर दैट व्हाट वी विल डू वी कैन अप्लाई केसीएल एट नोड बी सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम देखते हैं क्यू के लिए क्यू के लिए ये डायग्राम है अब हम क्या कर रहे हैं हम क्यू एटीन का बेस करंट कलेक्टर करंट और एमिटर करंट कैलकुलेट कर चुके हैं नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड क्यू नाइनटीन अब इसके टर्म्स हमें कैलकुलेट करने IC, IB और IE को हमें करना है. That, KCL B. So B पे अगर केसीएल लगाएंगे तो कैलकुलेशन क्या होगी आईई नाइनटीन विल बी इक्वल टू आई बी आई बी एटीन प्लस आई वाई तो ये इक्वेशन हो जाएगी नोट बी पर सो अस सी हमारे पास क्या इक्वेशन आ रही है एट नोट बी आईनटीन विल बी इक्वल टू आई बी एटीन प्लस अभी हमने कैलकुलेट किया गया अब अगर एमिटर करंट आ गया एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि सारे ट्रांजिस्टर्स मैस्ड हैं आइडेंटिकल हैं तो बेस करंट ऑब्वियसली जीरो होगा क्योंकि बीटा बहुत हाई है अगर बीटा हाई है तो कलेक्टर करंट विल बी इक्वल टू एमिटर करंट सो आईसी IC19 IE19 के इक्वल हुआ और वैल्यू कितनी आ गई 15.8 माइक्रो एम्पीयर आल्सो अगर कलेक्टर करंट हमें मिल ही गया है तो हम बेस करंट कैलकुलेट कर सकते हैं एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड एज IC19 बाय बीटा तो जब हमने वो कैलकुलेट किया तो वैल्यू कितनी आई 0.079 माइक्रो एम्पीयर राइट ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट दोल्टेज ड्रॉप अक्रॉसमीटर में base जब हमने वीटी की वैल्यू पुट करट किया इट इज फिफ्टीन पॉइंट एट माइक्रो एम्पियोर आई एस इज टेन रेज टू पर माइनस फोर्टीन एम्पियोर तो वैल्यू कितनी आई फाइव थर्टी मिली फोल्ड सो so, ये आ गया हमारे पास बेस एमिटर वोल्टेज ऑफ क्यू नाइनटीन सो बेसिकलीट कीिस की थी जब इसकी एक्सप्लेनेशन समझ रहे थे तो वहां हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जो क्यू एटीन और नाइनटीन ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर हम आउटपुट स्टेज यानी कि क्यू फोर्टीन और क्यू ट्वेंटी की बाइसिंग के लिए यूज करते हैं बायसिंग वो कैसे प्रोवाइड करता है वो दोनों के बेसिस पर जो दोनों के क्यू फोर्टीन और क्यू ट्वेंटी है उन दोनों के बेस पर एक पोटेंशियल मेंटेन करता है दो वी ड्रॉप्स को मेंटेन करता है दैट इज वाई हम दोनों के ही दोनों ही ट्रांजिस्टर्स के वी ड्रॉप्स को कैलकुलेट कर रहे हैं सो so प्रीवियसली हमने क्यू वी बी एटीन कैलकुलेट किया था यहाँ पर विच इज फाइव एट्टी और अब हमने वी बी नाइनटीन कैलकुलेट किया है हमने दोनों ड्रॉप्स को कैलकुलेट कर लिया है

इसके बेस के बीच में मतलब ये q14 का बेस है ये वाला पॉइंट एंड q20 का बेस ये है इन दोनों के बीच में वोल्टेज ड्रॉप मेंटेन करता है दो वोल्टेज ड्रॉप 2vb ड्रॉप्स को मेंटेन करता है तो लेट अस से जो वोल्टेज ड्रॉप वो मेंटेन करेगा वो vbb हो गया क्यों क्योंकि दोनों ही बेस के बीच में है तो इसीलिए हम उसका नाम vbb रख दिया सो so, वो किस vb किसके इक्वल होगा दैट vbb विल बी इक्वल टू जो दो वोल्टेज ड्रॉप वो किसके इक्वल होगा जो दो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं क्यू एटीन का वोल्टेज ड्रॉप बेस एमिटर वोल्टेज ड्रॉप और क्यू नाइनटीन का बेस एमिटर वोल्टेज ड्रॉप उन दोनों का सम सो फाइव विल एट मिली वोल्ट प्लस फाइव थर्टी मिली टोटल बेस बीबी कितना हो गया बीबीबी इट विल बी वन पॉइंट वन वन एट वोल्ट ये वोल्टेज ड्रॉप हो गया दोनों के बेसिस के बेसिस बीच में। लेकिन ये तो वोल्टेज ड्रॉप दोनों के बेस के बेस बीच में हो गया पर अगर मुझे कैलकुलेट करना है करंट तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे Q14 और Q20 के बीच का जो VBB है वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा प्लस मुझे दोनों के बीच में जो बेस एमिटर के बीच में जो पोटेंशियल है वो भी चेक करना पड़ेगा कैसे अगर ये डायग्राम है इन दोनों के बी बेसिस के बीच में जो पोटेंशियल था वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वी वी बी बी लेकिन जो फोर्टीन है इसके बेस और एमिटर के बीच का भी भी जो पोटेंशियल है वो भी करना पड़ेगा हमें इज वी बी एंड सिमिलरली यहाँ पर जो बेस एमिटर के बीच का पोटेंशियल है इट इज ऑल्सो बी ट्वेंटी तो वो किस ये जो वी बी बी है जो इनके बेसिस के बीच में जो पोटेंशियल है किसके इक्वल होगा ये इन दोनों के इक्वल होगा ठीक है ये जो वोल्टेज ड्रॉप बीबीबी आया था ये कैसे आया था वो बायसिंग वोल्टेज आई थी वो कैसे आई थी वो क्यू एटीन और क्यू नाइनटीन की वजह से आई थी उसकी वजह से हमें वी बीबीबी मिला जो कि क्यू फोर्टीन और क्यू ट्वेंटी के बेस के बीच में है लेकिन ये वोल्टेज जो है किसके इक्वल है क्योंकि ये यहाँ पर है और ये लाइन किसके पैरेलल है ये Q14 और Q20 के इस लाइन के पैरेलल है और यहाँ पर कौन सा वोल्टेज है यहाँ पर VB14 और VB20 ये दो पोटेंशियल है तो ये VBB इन दोनों के सम के इक्वल होगा सो दैट इज वाई आई हैव मेंशनड हियर दैट VBB इज इक्वल टू VBB14 प्लस वी राइट सो वी बी अपियस अक्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एमिटर जंक्शन एंड क्यू ट्वेंटी सो हम क्या करेंगे हम इन दोनों पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे इन दोनों पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा वी नीड टू कैलकुलेट दी आईसी फोर्टीन बाय आई एस सिमिलरली आईसी ट्वेंटी बाय आई एस सो डिवाइस पैरामीटर्स में फर्स्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस कि आईएस फॉर क्यू फोर्टीन एंड क्यू ट्वेंटी थ्री इंटू टेन रेज टू पर माइनस फोर्टीन तो वो चीज हमने यहाँ लिखी हुई है VT जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो 26 सिक्स मिली वोल्ट है वो तो ऑलरेडी मेन्शन है आईसी सिक्सटीन एंड आई ट्वेंटी हमें कैलकुलेट करना होगा बट वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड कि आईसी फोर्टीन और आईसी ट्वेंटी क्या होंगे 154 फिफ्टी फोर माइक्रो एम्पियर होंगे सेम करंट होगा क्यों क्यों बिकॉज वी आर एज्यूमिंग कि जो बेस करंट है वह अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है तो जो कलेक्टर करंट है वो दोनों के सेम हो जाएंगे राइट सो लेट मी शो यू कि ये चीज कहां से आई हमारे पास ओके okay. सो so, यहां पर हमने क्या कहा है कि ये जो करंट है ये बेस करंट वी आर रिज्यूमिंग इट इज जीरो तो जो भी करंट आपका यहां पर होगा जो भी हमारा करंट यहाँ है या इस टर्मिनल पे है वो करंट हमारा इस टर्मिनल पे भी आ जाएगा मतलब आईसी जो है वो आईई के इक्वल हो जाएगा सो वी आर रिज्यूमिंग की वो करंट हमारा इक्वल हो जाएगा अगर एमिटर करंट हमें पता है ऑलरेडी तो दैट करंट विल बी इक्वल टू द कलेक्टर करंट ऑल्सो वाई बिकॉज द बेस करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो Right. So, जब हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे वी नो दैट वीबीबी हमें पता है इट इज वन पॉइंट वी हमें पता है आई हमें पता है सिमिलरली यहाँ पर भी हमें वी पता है आई पता है इट इज थ्री इंटू टेन से आईसी फोर्टीन और आईसी ट्वेंटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे कैसे करेंगे बिकॉज वी नो दैट की दोनों करंट सेम होंगे ये दोनों करंट सेम कब होंगे ये दोनों करंट सेम तब होंगे जब, जब दोनों का बेस करंट जीरो होगा तो जो करंट आईसी फोर्टीन में फ्लो कर रहा है वही IC 20 में फ्लो करेगा, because base current is approximately zero. तो ये दोनों जब सेम हो जाएंगी, so by putting all these values जो हमें given है, वो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है आईसी फोर्टीन या आईसी ट्वेंटी की दैट इज 154 माइक्रो एम्पियर एंड ये करंट कौन सा करंट है ये करंट बेसिकली आउटपुट करंट है 741 फोर वन आईसी राइट सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड दी डीसी एनालिसिस ऑफ 741 आईसी ओपैम्प एंड जब हमने आईसी एनालिसिस की इसकी 741 की सो वी हैव कैलकुलेटेड जो आउटपुट पे करंट हमें मिला है इट इज 154 माइक्रो एम्पियर यही हमारी आईसी का आउटपुट करंट है राइट सो वी हैव फाइनली कम्पलीटेड दी सी एनालिस रिगार्डिंग एनी स्टेज और दी आउटपुट स्टेज ऑफ डीसी So, you can uh, post your com uh, questions or comments in the comment box. Thank you so much.